अज मैं अपने सूबे की जो गल करा, पाकिस्तान के राही ड्रोन के राही रोज़ ड्रग साडे सूबे में आ रहे। पंजाब का हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज़ खबर च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं। तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स नू ड्रोन्स नू रोकने वास्ते 10 साल च जब महिम जी कहते हैं बॉर्डर नू इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया तो आ क्यों नहीं किया? बहुत जरूरी बहुत यदि लोड़ हैगी। सब दूजा मैं आंदी हाँ सर, किसान से 60% देश किसानी का हैगा। वादा किया 2015 किसान की आमदन में दुगना किया जाऊगा। NSO का डेटा कहता है कि जोड़ा किसान का आमदन 8,000 रुपये 2015-16 से 18-19 ताई वह कल 10,000 हुई, वो बाद तो डेटा ही नहीं दिता। तो जे 15 तो लैके 19 ताई कल 2,000 का होया तो दुगनी कि हुई है? ये दसन की लड़ नहीं कि कुछ दिता है, दसो कि जोड़ा तुम वादा किया डबल क्यों नहीं होया? क्योंकि इस NSO का डेटा यह भी दसता है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए ने, ते 5 साल करजा 58% बढ़ गया देश के किसानों के उत्ते। तो आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट जेड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साढ़े देश से हर घंटे च एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो कितने ना कितने किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जेड़ा एक कृषि देश सूबा हैगा वो बारे मैं थानू दसा, तो सब तो वध करजाई पंजाब के किसान है। अज पंजाब जे जिते 80-85% सब स्मॉल ते माजना 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते हैगा। एक किसानी संकट बहुत वड्डा हैगा। तो हज़ारा किसान रोज़ पंजाब से खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल स महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन स 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन से। उन्होंने कहा कि MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिदे स्वामीनाथन कमेटी की जी रिकमेंडेशन सी 2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए अज तक एक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी सर कि जेड़े अज कणक नूं लै लईए उहदे DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर उहदी वाढ़ी कटाई 80% इनक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट। तो आउटपुट साडा MSP अजे 30-40% किसानों जेब तो भरना पैंदा है। हकीकत MSP की आ हैगी। तो सर जब किसान दे कोल कोई मौका हुंदा कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन दे वॉर च वीट की प्राइसिस वधिया वध वगियां, तो सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान दे जेब से कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती कर दिया कि ये तुसी स्कीमा जिहड़ी चलांदे बहुत वधिया सर। 6,000 रुपये वाली स्कीम तुसी चलाई किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है, लेकिन क्यों ये स्कीम नूं जिहड़ा 2021 च 10,90,00,000 किसानों मिलता सी, फिर 2023-24 च इहनूं 8.5 करोड़ किसानों सिर्फ लाभार्थी क्यों घटा क्यों दिते? किसानों के आमदन वधी तो है नहीं। हुण साडे पंजाब च सर जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन्न जिहड़े तुहाडे 80 करोड़ लाभार्थी हैगे जिन्हां तुसीं राशन देंदे हो, सब तो वड्डा योगदान हो पंजाब का किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करता है। पंजाब च तुसीं 26% किसान निधि समान वाले योजना के किसानों की बेनीफिशरीज नूं तुसीं 26% घटाता, क्यों? साडा कसूर की सीगा? साडे नाल ही वितकरा क्यों? तो सर किसान पंजाब के किसानों ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नूं अन्न सरप्लस करन वास्ते, ते साडे नाल ये धक्का। फसल बीमा योजना सर ये तो कोई दसदा नहीं हैगा कि इस बीमा कंपनियां ने किवें 57,000 करोड़ रुपये कमा लेते ने इस योजना तो। ते साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानूं सेंटर तो। साडा मुख्यमंत्री कहिंदा सी जे कोई आपदा आजूगी आम आदमी पार्टी कोई आपदा आजूगी किसान दी बाह फड़ांगे, सिद्धे गदौरिया बाद नूं होणगे थोड़े खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दित्ती सब, वह हड़ आ गए बाढ़ आ गया किसान मर गए, लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी सब। फिर मैं आंदी हाँ गरीबा दे उत्ते सर, गरीबा वास्ते बहुत वधिया मैं समझ गया जिहड़ा आयुष्मान भारत तुसी कीता है बहुत वधिया काम कीता है। गरीबा नूं तुसी मकान दे रहे हो राशन बड़ी चंगी गल है सर, लेकिन सर जे 25 करोड़ तुसी आबादी नूं कहिंदे महामहिम जी कि तुसी पॉवर्टी लाइन तो चक्या हैगा, ते 80 करोड़ नूं लाभार्थियों नूं तुसी राशन देंदे हो क्योंकि अपना ढिड तक नहीं भर सकते। ते जिहड़ा बंदा अपना ढिड नहीं भर सकता आपका मकान नहीं बना सकता अपनी लैटरीन टॉयलेट तक नहीं बना सकता, फिर तुसी आ किवें कहिंदे हो कि भारत विकसित हो रहा हैगा जब हिंदुस्तान का हाल? ते आही है सर UN रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कहती है 74% ऑफ इंडियंस आर अनएबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड। ग्लोबल हंडर इंडेक्स 23 से आप 111वें नंबर से है। साड़ी
दो तिहाई कुड़ियां अनीमिया दे सह हकीकत आएगी कि आज आमदन वधी नहीं है, महंगाई इन्नी वध गई है, पेट्रोल 40% डीजल 60%, आज दालां 70% वध गईयां ने, उन्हां दी कीमतां अन्न की कीमत 75 रुपए, मिल्क पे मिल्क प्रोडक्ट्स 77% सिंस 2012, इन्ना सारा आज रोटी बनाने वास्ते 5 साल पहले जिन्ना खर्चा होंदा सी, आज 65% उस तो वध खर्चा आज हो रहा है आ महंगाई दे कारण करके। आज थोड़ी आरबीआई का कितना दस्ता है, सब 5 मिनट औरतों के ऊपर। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीजें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मेटर्निटी लीव को 26 हफ्ते कर दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर, जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है, और मणिपुर में क्या हुआ, आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं। तो सर, ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा, तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं, और जब ये नारी शक्ति हम वुमन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब, ये बता दीजिए। सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूँगी, जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्रेजल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फ्रेजल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिनों के पास 90% वेल्थ है, कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब हैं, ये ज़रूर सोचने की बात है और इसके बारे में ध्यान रखें। क्योंकि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, वो हिंदुस्तान ने जिनों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है, और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है, और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया ब्राजील यूके वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। सो सर, ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया, यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें। और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो, और आज 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है, श्री हसनैन मसूदी जी, कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है।